ओके स्टूडेंट, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फोर्थ मेथड ऑफ डिसीशन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ये बहुत सिंपल है, सिंपली आपका फॉर्मूला बेस्ड है एंड देन उसके बाद हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करनी होती है। सो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें करना क्या है। सो इस क्राइटेरियन का नाम है हर्विक्स क्राइटेरियन, या फिर इसको हम क्राइटेरियन ऑफ रियलिज्म भी बोलते हैं। ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको कोई भी नाम से बोल सकते हैं कि आप ये क्राइटेरियन ऑफ रियलिज्म को यूज़ करके ऑप्टिमल डिसीजन बताइए, या फिर आप हर्विक्स क्राइटेरियन यूज़ करके ऑप्टिमल डिसीजन बताइए। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द वेटेड एवरेज क्राइटेरियन, एंड एक नाम और है, दैट इज़ द वेटेड एवरेज क्राइटेरियन, और ये बेस्ड होता है हर्विक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशियंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। ये बेसिकली एक डीप थ्योरी है, आपके सिलेबस में इतना डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, कोफिशियंट ऑफ ऑप्टिमिज्म का। तो कोफिशियंट ऑफ ऑप्टिमिज्म यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एंड उसी को यूज़ करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। इन दिस क्राइटेरियन द डिसीजन मेकर कैन मेक बैलेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर ईच ऑल्टरनेटिव बाय वेइंग देम अकॉर्डिंग टू हिज डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। तो बेसिकली हर्विक्स क्राइटेरियन में हम क्या करें, जैसे आपने देखा हो कि ऑप्टिमिज्म में हम क्या करते थे, मैक्सीमैक्स होता था, मिनिमिन होता था। सिमिलरली पेसिमिज्म में क्या होता था, मैक्सिमिन होता था या मिनीमैक्स होता था। आप कहीं पर मैक्सिमम ले रहे हो, कहीं पर मिनिमम ले रहे हो, उसी के बेसिस पे आपका डिसीशन ले रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हर अल्टरनेटिव की होती है उसी के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है हर्विक्स क्राइटेरियन में। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होता है चूज़ एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हमेशा ही क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी से आप रिलेट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा कि अगर पी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है तो क्यू क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, वन माइनस पी। क्योंकि अगर कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो फेलियर होगा या तो आप सक्सीड करोगे, एक की प्रोबेबिलिटी अगर पता है तो आप दूसरे की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हो, वन में से सब्ट्रैक्ट करके, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी वन होती है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जो भी आपका हर्विक्स कोफिशियंट है टोटल हमेशा आपका वन रहेगा। तो अगर सपोज़ अल्फ़ा हमने लिया हुआ है कि डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म अगर हमारी अल्फ़ा है तो वन माइनस अल्फ़ा क्या डिनोट करेगा, डिग्री ऑफ पेसिमिज्म। एक वैल्यू आपको दी रहेगी, एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड हम क्या लेके चलते हैं कि अल्फ़ा अगर हमारी डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म हमने माना है तो वन माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पेसिमिज्म। तो सबसे पहले तो ये मेथड यूज़ करने के लिए ये दो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, अल्फ़ा और वन माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म, और वन माइनस अल्फ़ा है डिग्री ऑफ पेसिमिज्म। सेकेंड स्टेप होता है डिटरमाइन द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम पे ऑफ्स फॉर ईच ऑल्टरनेटिव। अब जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं ए बी सी और डी की, तो ए ऑल्टरनेटिव के लिए आपने देख लिया कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। सेम आपने बी ऑल्टरनेटिव के लिए देख लिया मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो ये आपको मन में करके रखना है कि हाँ इस ऑल्टरनेटिव की मैक्सिमम इतनी है, मिनिमम इतनी है, अगले ऑल्टरनेटिव की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, मिनिमम वैल्यू इतनी है। थर्ड स्टेप क्या होता है, डिटरमाइन द क्वांटिटीज़ एच फॉर ईच ऑल्टरनेटिव। अब ये जो एच वैल्यू होती है, ये वैल्यू एच आपको हर ऑल्टरनेटिव के लिए फाइंड करनी है। मतलब आप एक एच का एक नया कॉलम बनाओगे और उस कॉलम में हर ऑल्टरनेटिव के लिए हम एच की वैल्यू लिखेंगे। एच की वैल्यू का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू मैक्सिमम प्लस वन माइनस अल्फ़ा इंटू मिनिमम। मतलब अगर आप ऑल्टरनेटिव ए की बात कर रहे हो तो ऑल्टरनेटिव ए का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे, ऑल्टरनेटिव ए की जो मिनिमम वैल्यू होगी
उसको आप 1 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे अल्फ़ा है आपकी डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म और ये आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। जैसे सपोज़ अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 0.75 दी हुई है, तो 1 माइनस अल्फ़ा को आप डिनोट कर लो अल्फ़ा डैश से, और अल्फ़ा डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.75, दैट इज़ 0.25। तो आपको सिंपल पड़ेगा आगे मल्टीप्लाई और ऐड करने में। ठीक है, स्टेप फोर में क्या करना है, सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव करिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच इन द पे ऑफ टेबल और मिनिमम वैल्यू ऑफ एच इन द कॉस्ट टेबल। एक बार आपने एच का कॉलम बना लिया, और एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी वर्किंग एग्जैक्टली सेम है, चाहे आप कॉस्ट टेबल के साथ डील कर रहे हो, चाहे आप पे ऑफ टेबल के साथ डील कर रहे हो, वर्किंग एकदम सेम है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप में चेंज आता है, जब आपका एच का कॉलम बन गया, तो अगर आपका पे ऑफ टेबल है तो पे ऑफ में आप मैक्सिमम देखोगे, यानी प्रॉफिट में आप मैक्सिमम वैल्यू देखोगे एच की, वही आपका ऑप्टिमल डिसीशन होगा। और अगर आपके पास कॉस्ट टेबल है या फिर लॉस टेबल है, तो आप एच की मिनिमम वैल्यू देखोगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी वर्किंग सेम है। सो अगेन हम वही क्रॉप वाले क्वेश्चन के पास जाते हैं, ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। बट एक तरह से अच्छा भी है कि आपने देखा एक क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, और आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो आता भी इसी तरह से है कि एक क्वेश्चन आपको दे देंगे एंड उसको आपको वो पाँचों मेथड से सॉल्व करवाएंगे कि पाँचों मेथड्स आप अप्लाई करके देखो आपका किस में ऑप्टिमल डिसीशन क्या निकल करके आ रहा है। तो आप भी देख पाओगे कि कौन से मेथड में कितना डिफरेंस है। सो यही क्वेश्चन, क्रॉप्स हैं आपके पास तीन, आपके पास उनके कंडीशनल प्रॉफिट्स दिए हुए हैं एंड रेनफॉल की कंडीशन दी हुई है या फिर रेनफॉल के इवेंट्स दिए हैं। एक चीज और यहां पे इन्होंने मेंशन करी है, वो ये है कि डिटरमाइन द बेस्ट क्रॉप दैट द फार्मर शुड प्लांट बाय यूजिंग हर्विक्स क्राइटेरियन, द फार्मर्स डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म बीइंग 0.6। मैंने बोला था हमेशा वो आपको डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म दे देंगे क्वेश्चन में, या तो ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म बीइंग 0.6, या फिर सिंपली ऐसे लिख के दे सकते हैं ब्रैकेट में अल्फा इज इक्वल टू 0.6। तो ये चीज़ आप समझ जाओ, अगर अल्फा 0.6 है तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.6, दैट इज 0.4। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ हमने लिख लिए सारे क्रॉप्स और जो भी आपके इवेंट्स हैं, हाई, मीडियम और लो। क्या बोला था मैंने, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हर ऑल्टरनेटिव के लिए मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, हर ऑल्टरनेटिव के लिए मिनिमम वैल्यू देखनी है। आप चाहो तो ये कॉलम ना भी बनाओ तब भी ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप ये सेपरेटली मैक्सिमम और मिनिमम का कॉलम बना लो, तो इसमें आपके गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव ए के लिए हमने क्या देखा, मैक्सिमम वैल्यू 8000 है तो 8000, मिनिमम वैल्यू 2000 है तो मिनिमम के आगे 2000। क्रॉप बी के लिए मैक्सिमम वैल्यू 5000 और क्रॉप बी के लिए मिनिमम वैल्यू 3500। क्रॉप सी के लिए मैक्सिमम 5000 एंड मिनिमम इज 4000। तो क्या किया हमने, सारे ऑल्टरनेटिव्स के लिए हमने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लिख ली, ए की मैक्सिमम, ए की मिनिमम, बी की मैक्सिमम, बी की मिनिमम, सिमिलरली सी की मैक्सिमम और सी की मिनिमम वैल्यू। अब क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच का फॉर्मूला क्या बना, अल्फ़ा इंटू मैक्सिमम प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू मिनिमम, या फिर इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, एच इज़ इक्वल टू 0.6 इंटू मैक्सिमम प्लस 0.4 इंटू मिनिमम। और ये अगर आप कैलकुलेटर से करो तो ध्यान से ब्रैकेट लगा के करना, वरना बिना ब्रैकेट लगाए अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे कैलकुलेटर में तो गलत हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना और फिर डिवाइड करना, वरना चाहो तो अलग अलग कर लो, क्योंकि आप मैथ स्टूडेंट्स नहीं हो, यहाँ पर गलती हो सकती है। सो फर्स्ट वैल्यू 0.6 इंटू 8000 प्लस 0.4 इंटू 2000। मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, मिनिमम को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 से, और फिर दोनों को ऐड करके दिखते जाना है। वही काम हमने सबके लिए किया है,
सेकेंड के लिए 5000 × 0.6, 3500 × 0.4 और दोनों को ऐड किया है. देन 5000 × 0.6, 4000 × 0.4 और दोनों को हमने ऐड कर दिया है. अब क्योंकि ये प्रॉफिट टेबल है तो हम इसमें मैक्सिमम देखेंगे. मैक्सिमम आ जाएगा 5600 जो कि क्रॉप ए के लिए आएगा, तो आपका बेस्ट डिसीजन हो जाएगा क्रॉप ए. और अगर यही आपकी लॉस टेबल होती तो हमारा लॉस टेबल में लास्ट स्टेप ही डिफरेंट होता है, बाकी पूरी वर्किंग सेम है हर विक्स क्राइटेरियन के लिए. तो लास्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं. मिनिमम वैल्यू 4400 है, तो अगर ये आपका लॉस टेबल होता या फिर कॉस्ट टेबल होता तो आपका ऑप्टिमल डिसीजन हो जाता क्रॉप बी. सो ये था हर विक्स क्राइटेरियन, जहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, एक डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म चाहिए होती है. अगर डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म अल्फा है तो डिग्री ऑफ पेसिमिज्म हो जाती है 1 - अल्फा. उसके बाद हर अल्टरनेटिव के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं और मिनिमम वैल्यू देखते हैं. फिर नया कॉलम बनता है एच का, जहाँ पे एच क्या होता है, अल्फा इनटू मैक्सिमम प्लस 1 - अल्फा इनटू मिनिमम. यही जो एच का कॉलम बनता है, इसमें से अगर आपके पास प्रॉफिट टेबल है तो जहाँ पे एच की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, और अगर आपके पास लॉस टेबल है तो एच की जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो सेलेक्ट हो जाता है. सो ये था आपका हर विक्स क्राइटेरियन. सो स्टूडेंट्स, डिसीशन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी का ये फिफ्थ मेथड है और लास्ट मेथड है जो आपको पढ़ना है. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम डिसीशन मेकिंग अंडर रिस्क पे मूव ऑन करेंगे, जहाँ पे दो मेथड्स हैं. सो फिलहाल हम ये देख लेते हैं डिसीशन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी का फिफ्थ मेथड, दैट इज़ द लैपलास क्राइटेरियन. और मुझे तो ये सबसे ईजी लगता है, आई होप आपको भी लगे. यहाँ पे क्या करना है, द क्राइटेरियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लाइक्लीहुड और इनसफिशियंट रीजन. हेयर ऑल द आउटकम्स या फिर इवेंट्स शुड बी कंसिडर्ड इक्वली लाइकली. बेसिकली इक्वली लाइकली टर्म्स, अगर किसी को प्रोबेबिलिटी याद हो तो इस टर्म का हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते थे. कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए टर्म्स को हम इक्वली लाइकली कब बोलते हैं, जब उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कॉइन टॉस करते हो, कॉइन टॉस करने में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. अगर अनबायस्ड कॉइन है, मतलब कॉइन के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 एंड हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2. तो यानी अगर आपका एक्सपेरिमेंट है कि आप कॉइन टॉस कर रहे हो, दो इवेंट्स हैं आपके पास, हेड और टेल, और ये दोनों ही इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं. दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं का मतलब इन दोनों ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है. सिमिलरली अगर आप डाई रोल करते हो, आजकल क्वारंटाइन पीरियड में बहुत लोग लूडो खेल रहे होंगे, सो डाइस से आप बहुत फेमिलियर होंगे कि अगर आप डाइस रोल करते हो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 से लेकर के 6 तक, और इन सारे ही नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, 1/6 1/6, क्योंकि आप बोल नहीं सकते कि 2 ज़्यादा बार आएगा या 3 ज़्यादा बार आएगा, सबके आने के चांसेस इक्वल होते हैं सारे नंबर्स के. तो ये इवेंट्स आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं. सो यहाँ पे लाप्लास क्राइटेरियन में हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि इफ़ देर आर एन इवेंट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑल्टरनेटिव, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज टेकन एज 1/n. कि सपोज अगर क्रॉप ए की आप बात कर रहे हो, आपके पास 3 इवेंट्स हैं, हाई रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल और लो रेनफॉल, तो तीनों ही रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3. कि हाई रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, मीडियम रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, और लो रेनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे 1/3 ही है. सो यूजिंग दीज प्रोबेबिलिटीज चूज एन ऑल्टरनेटिव विद द हाइएस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लोएस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट या फिर लोएस्ट एक्सपेक्टेड लॉस. कैसे मूव करना है इस मेथड में आगे देखिए. स्टेप 1, असाइन इक्वल प्रोबेबिलिटीज 1/n. मतलब आप देखो कि आपके पास कितने इवेंट्स हैं. अगर आपके पास 4 इवेंट्स हैं तो चारों की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4. अगर 3 इवेंट्स हैं, 1/3 1/3 1/3. सेकेंड स्टेप, डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू फॉर ईच ऑल्टरनेटिव.
एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू हमें कैसे डिटरमाइन करनी है, आप हर ऑल्टरनेटिव के लिए क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी और पे ऑफ का मल्टीप्लिकेशन करोगे और एंड में सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे. यानी कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिव इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द करिस्पोंडिंग पे ऑफ्स फॉर दैट ऑल्टरनेटिव. अभी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी तो बेटर समझ में आएगा आपको. बेसिकली प्रोबेबिलिटी आप एंड में ही मल्टीप्लाई करो क्योंकि इक्वल वैल्यू है, अलग अलग मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है. उसके बाद सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव करिस्पोंडिंग टू मैक्सिमम एक्सपेक्टेड पे ऑफ और मिनिमम एक्सपेक्टेड कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द पे ऑफ टेबल और द लॉस टेबल. यहाँ पे भी हमारी वर्किंग सेम है, चाहे हम प्रॉफिट टेबल की बात करें चाहे हम लॉस टेबल की बात करें, सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप में ही हमारा वर्किंग चेंज हो जाता है कि अगर लास्ट स्टेप में आप प्रॉफिट टेबल की बात कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम पे ऑफ देखना है, और अगर आप कॉस्ट टेबल या फिर लॉस टेबल के साथ डील कर रहे हो तो आपको मिनिमम पे ऑफ देखना है. सो अगेन हम हमारा फेवरेट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, दैट इज द क्रॉप क्वेश्चन. रेनफॉल में तीन इवेंट्स हैं हमारे पास, हाई, मीडियम और लो, और तीन क्रॉप्स हैं, क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी, यानी तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं. अब देखते हैं इसको हम लाप्लास क्राइटेरियन यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो सबसे पहले तो लाप्लास क्राइटेरियन में हम क्या अज्यूम करते हैं कि जितने भी हमारे पास इवेंट्स हैं वो सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, मतलब उन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है. तो तीन इवेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, हाई रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल और लो रेनफॉल. हाई रेनफॉल को हमने H से डिनोट किया है, मीडियम रेनफॉल को M से और लो रेनफॉल को L से. तो देयरफॉर हाई रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4, मीडियम रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 एंड लो रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, 1/3. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप हमें क्या करना था, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड करना है. तो ई ए का मतलब है एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू फॉर इवेंट ए, कि अगर आप क्रॉप ए प्लांट करते हो तो आपके पास एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना है. कैसे फाइंड करेंगे, 1/3 बाहर रखना है और ए की जो वैल्यूज़ थी, एक बार मैं आपको ए की वैल्यूज़ दिखा देती हूँ. सी, ए की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हैं, हाई रेनफॉल पे 8000, मीडियम रेनफॉल पे 4500 और लो रेनफॉल पे 2000. तो देयरफॉर एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/3, प्रोबेबिलिटी हमें बाहर रखना है और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, ए के लिए जितने भी आपके पास ऑप्शंस थे, हाई रेनफॉल में 8000 का प्रॉफिट, मीडियम में 4500 का और लो रेनफॉल में 2000 का, इन तीनों को हमने ऐड किया और 1/3 से मल्टीप्लाई किया. सो आया 14500/3. ऐसे ही हमने फाइंड किया एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू फॉर इवेंट बी. इवेंट बी की वैल्यूज़ क्या थी, 3500, 4500 और 5000. इन तीनों को हमने ऐड किया और 1/3 बाहर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई 13000/3. ऐसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी क्या आएगी, 1/3 × 5000 and 400, दैट इज 14000/3. अब क्योंकि हमारी प्रॉफिट टेबल है हमारे पास, हम इन तीनों एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में से मैक्सिमम देखेंगे. मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे, डिनोमिनेटर सब में सेम है तो मैक्सिमम है 14500/3. सो सिंस मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव ए, तो देयरफॉर आपको क्रॉप ए प्लांट करना चाहिए फार्मर को. और अगर यहीं पे हमारे पास कॉस्ट टेबल होती या फिर लॉस टेबल होती तो हम क्या करते, मिनिमम वैल्यू देखते. मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे बी की, तो अगर आपकी कॉस्ट टेबल दी हुई होती या लॉस टेबल दी हुई होती तो आप क्रॉप बी को प्लांट करते. सो इसी के साथ हमारा डिसीशन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी ख़त्म होता है. आपके नोट्स में दिए हुए और एग्जांपल्स देखना, वहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी दिए हुए हैं आपको जहाँ पे सेम क्वेश्चन में आपने पांचों मेथड से सॉल्व किया हुआ है. सो आप ये वीडियोस देख के एक बार उसको भी देखिएगा एंड इफ़ देयर इज एनी डाउट यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी.